दोस्तों आज हम आपको मुंबई के 7 सबसे महंगे घर के बारे में बताने वाले हैं। हर इंसान का सपना होता है कि उसके पास सिर छिपाने के लिए एक घर हो, छोटा ही सही पर एक मकान हो जिसे वो अपना कह सके। दुनिया में ज्यादातर लोग इस सपने को पूरा करने में ही अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं, लेकिन सपनों की नगरी मुंबई की बात ही जुदा है। ये वो शहर है जो कभी सोता नहीं, लेकिन विडंबना तो देखिए, इसी शहर में दुनिया के कुछ सबसे महंगे घर बने हैं जिन्हें सुकून भरी नींद के लिए तैयार किया गया है। नंबर 7, जलसा। अमिताभ बच्चन शहर में जलसा सहित 4 बंगलों के मालिक हैं। फिलहाल वो परिवार के साथ जलसा में रहते हैं। ये 2 मंजिला घर डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने 1982 में आई हिंदी फिल्म सत्ते पे सत्ता में अमिताभ की शानदार परफॉर्मेंस से खुश होकर गिफ्ट किया था। मिडडे के अनुसार जलसा की कीमत 112 करोड़ रुपए है। नंबर 6, कोलाबा में समुद्र के किनारे स्थित आलिशान घर। मुंबई के कोलाबा में समुद्र के किनारे स्थित इस आलिशान बंगले के मालिक रतन टाटा है। मिडडे के अनुसार इसकी कीमत करीब 150 करोड़ रुपए है। इसे रिटायरमेंट होम के नाम से भी लोग जानते हैं। नंबर 5, मन्नत। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट्स के अनुसार शाहरुख खान के बांद्रा में संपत्ति खरीदने के 2 दशक बाद घर की कीमत 200 करोड़ रुपए है। मन्नत 6 मंजिला एनेक्सी, कई बेडरूम, एक छत, एक बगीचा, एक एलिवेटर सिस्टम, एक निजी थिएटर, पर्सनल क्वार्टर और एक बड़ा एंटरटेनमेंट स्पेस शामिल है। नंबर 4, जटिया हाउस। मुंबई के मालाबार हिल्स के ऊपर स्थित ये आशियाना आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला का है। वे आदित्य बिरला समूह के 4th पीढ़ी के प्रमुख हैं। मिडडे की एक रिपोर्ट के अनुसार ये घर 2926 वर्ग मीटर में फैला है और इसमें कम से कम 28,000 वर्ग फीट का एक निर्मित क्षेत्र है। इस घर की कीमत 425 करोड़ रुपए है। नंबर 3, गुलिता। साउथ मुंबई के वर्ली में स्थित ये घर ईशा अंबानी और पिरामल का है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार घर को पिरामल ने 2012 में खरीदा था जिसकी कुल कीमत 452 करोड़ रुपए थी। ये 5 मंजिला आलिशान घर है जिसमें 3 बेसमेंट है, इनमें से 2 पार्किंग के लिए रिजर्व है और एक में बड़ा सा लोन है। ग्राउंड फ्लोर में ग्रैंड एंट्रेंस लॉबी है और ऊपरी मंजिल में रहने और खाने के हॉल है। साथ ही ट्रिपल हाई मल्टीपर्पज रूम्स के अलावा बेडरूम और सर्कुलर स्टडी भी शामिल है। नंबर 2, लिंकन हाउस। लिंकन हाउस, जिसे पहले वांकानेर हाउस के रूप में जाना जाता था, ये शहर की सबसे महंगी हेरिटेज प्रॉपर्टी में से एक है। दक्षिण मुंबई के बीच कैंडी क्षेत्र में 50,000 वर्ग फीट में स्थित इस घर के मालिक साइरस पुनावाला है। मिडडे के मुताबिक उन्होंने 2015 में इसे 750 करोड़ रुपए में खरीदा था। ये हवेली मूल रूप से वांकानेर के महाराजा एच सर अमर सिंह जी बान सिंह जी के लिए 1993 में ब्रिटिश वास्तुकार क्लाउड बट्टले ने बनाया था। नंबर 1, एंटीलिया। फोर्ब्स द्वारा इसकी कीमत $1 बिलियन आंकी गई है। यह न सिर्फ मुंबई और भारत में सबसे महंगा घर है बल्कि पूरी दुनिया के सबसे महंगे आवासों में भी शामिल है। इस आलिशान घर के मालिक मुकेश अंबानी है जो दुनिया के 6th सबसे अमीर शख्स के तौर पर फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनर लिस्ट में शामिल है। बिजनेस इंसाइडर के मुताबिक दक्षिण मुंबई में स्थित एंटीलिया 27 मंजिलों और 9 हाई स्पीड एलिवेटर से लैस है। इसमें एक बहुमंजिला गैराज है जो 168 कारों को समायोजित कर सकता है और इसमें 3 हेलीपैड, 1 भव्य बॉल रूम, 1 थिएटर, 1 स्पा, 1 मंदिर और कई सीढ़ीदार बगीचे भी हैं। तो दोस्तों, आपको इसमें से कौन सा और किसका घर सबसे सुंदर लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को आज ही फॉलो करें। धन्यवाद।